उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। शनिवार को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी कर मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बयान में उन्होंने निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। इससे पहले भी सपा ने दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सपा अध्यक्ष ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और कहा, बीजेपी सरकार के इशारे पर निकाय चुनाव में जमकर धांधली की गई। प्रशासन और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। बीजेपी की ओर से भय और आतंक का माहौल बनाया गया। मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली है। बता दें, अखिलेश ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, रामपुर और स्वार विधानसभा में निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं होने दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी एक चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी थी, जो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग को भेजी गई थी। इसमें सपा की ओर से पहले से ही आशंका जताई गई थी कि मतदान केंद्रों पर धांधली की जा सकती है। बता दें, सपा का आरोप है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके सत्ता और धनबल के सहारे चुनाव जीतने का काम किया है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए। सपा के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। उधर सपा के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव और स्वार और छानबे उपचुनाव जीतने जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर उन्होंने कहा कि सपा को हारने का डर सता रहा है, इसीलिए धांधली का विलाप कर रही है। चुनाव हारने से पहले सपा कारण तैयार कर लेती है। कभी ईवीएम, कभी पुलिस प्रशासन, कभी आयोग सवालों के घेरे में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।